हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ के महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के कैबिनेट मीटिंग में पारित होने के बावजूद डॉक्टर 31 मार्च को अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। 42 दिन तक रेगुलर नहीं हो पाए हैं, जबकि अन्य विभागों के लोग ऑर्डर आने के बाद अपना मेडिकल करवाने के बाद नियमित रूप से ज्वाइन भी कर चुके हैं, जो कि दर्शाता है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के प्रति कितनी गंभीरता इस बीमारी के समय में बढ़ती जा रही है। संघ के महासचिव ने कहा कि एक तरफ तो पूरे भारतवर्ष में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए फूल बरसाए जा रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर इसके विपरीत स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार देखने को मिल रहा है, जिसकी शिकायत समय समय पर पुलिस प्रशासन को की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी तरह की कार्रवाई अमल में नहीं ला जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार से हमने आज से करीब 50 दिन पहले आग्रह किया था कि हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को केंद्र सरकार के तय मानकों की पीपी किट उपलब्ध करवाई जाए, जिसमें मैन्युफैक्चरर्स का नाम और साथ में ISO सर्टिफिकेशन का स्टिकर अंदर लगा हो। इसके अलावा हमने गुजारिश की थी कि सारी लेवल पर स्वास्थ्य कर्मियों को पीपी किट भेजी जाए, क्योंकि बहुत से प्रदेशों में ऐसा देखने में आ रहा है कि बहुत से स्वास्थ्य कर्मी घटिया पीई किट का इस्तेमाल कर रहे हैं। संघ के सदस्यों ने यहाँ तक कहा कि सैलरी एक दिन की बजाय जितनी काटनी हो काट ली जाए, लेकिन पीई किट बढ़िया क्वालिटी की दी जाए। संघ के महासचिव ने कहा कि सरकार को पंजाब, हरियाणा और उड़ीसा सरकारों की तर्ज पर कोरोना वॉरियर को सम्मानित करने की योजना और एपिडेमिक अलाउंस जल्द ही जल्द घोषित किया जाना चाहिए। 31 मार्च को 3 साल का कार्यकाल कॉन्ट्रैक्ट पे पूरा कर चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले महीने ही कैबिनेट की मीटिंग में उनको रेगुलर करने के आदेश दे दिए थे, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी आज तक हमारे डॉक्टर जो है वो नियमित होने की राह देख रहे हैं। हमने तो सरकार से ये सिफारिश करी थी कि जैसे अब स्वास्थ्य विभाग जो है इस समय इस महामारी में जो है सबसे आगे खड़ा है, तो हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्टेड डॉक्टर हैं, चाहे वो उनको 1 महीना हुआ, चाहे 6 महीने, चाहे 2 साल, उनको सबको रेगुलर किया जाए ताकि उनके मनोबल में एक वृद्धि हो और वो दुगने उत्साह के साथ इस कोरोना महामारी से लड़ें और उनके अंदर एक सामाजिक सुरक्षा की भावना हो। साथ में ही हम सरकार से ये भी अनुरोध करना चाहते हैं कि जैसे उड़ीसा, हरियाणा और पंजाब की गवर्नमेंट अपने कोरोना वॉरियर्स को उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उनको सम्मानित और उनके लिए प्राइज मनी रख रही हैं, वैसे हम भी चाहते हैं कि सरकार जो है वो हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को जो है वो रिस्क अलाउंस जो है वो घोषित करे, ताकि हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके अंदर एक सामाजिक सुरक्षा की भावना है। और उड़ीसा गवर्नमेंट की तरह जैसे 50 लाख का हमारी सरकार ने 50 लाख का बीमा जो है वो मरने उपरांत स्वास्थ्य कर्मियों को देने का घोषणा करी है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके साथ ही जो उसकी तनख्वाह है, जो भी स्वास्थ्य कर्मी अगर किसी के साथ अनहोनी होती है तो उसको, उसके आश्रितों को वो तनख्वाह उसके रिटायरमेंट तक मिलनी चाहिए और रिटायरमेंट के समय पूरे होने के बाद उसको फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए, ताकि लोगों में एक सामाजिक सुरक्षा की भावना है। इसके अलावा हमने सरकार से गुजारिश करी थी कि अच्छी पीपी किट्स से हमारा मतलब था कि जो केंद्र ने सरकार से गुजारिश करी थी कि अच्छी पीपी किट्स से हमारा मतलब था कि जो केंद्र सरकार, हमारी भारतीय केंद्र सरकार ने जो मानक तय किए हैं जिसके अंदर के जो पीपी किट के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चरर और ISO सर्टिफिकेशन का स्टिकर लगा होना बहुत ही आवश्यक है। हमने वो कहा था कि उत्तम क्वालिटी की जो है पीपी किट जो है हमें उपलब्ध कराई जाए, चाहे वेतन कटौती हमारी ज़्यादा की जाए, लेकिन अगर हमारे को ना पीपी किट्स ऐसी उत्तम क्वालिटी की और पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएंगी तो फिर वेतन कटौती का कोई मतलब नहीं रह जाता। हम तो चाह रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द रिस्क अलाउंस दिया जाए ताकि हम उसमें से कुछ अपने आप कर पाएं। तो इसके अलावा हमारे को जो टेलीफोन भत्ता दिया जाता है वो 175 रुपये CUG प्लान में मिलता था, जो कि सिर्फ BSNL में आता है, और बहुत सी जगहें जहां पे सिग्नल नहीं है उसकी वजह से जो लोगों के पास दूसरी तरह के सिम हैं, तो ये जो 175 रुपये ये ना केवल CUG प्लान बल्कि डॉक्टर के नाम पे 175 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाना चाहिए, ताकि वो जो है वो किसी भी प्लान के तहत जो है इसमें काम कर सके। और हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं, ये भत्ता हमें पहले से मिल रहा है, तो हम तो कह रहे हैं कि इसको सभी सिम्स पे, सभी नेटवर्क्स पे इसको अलाउ किया जाए, ताकि स्मूथली जो फंक्शन व्हाट्सएप पे जैसे OPD चल रही है या वीडियो कॉल्स पे हमारे डॉक्टर जो हैं वो OPD देख रहे हैं वो कर पाएं, और इसके अलावा रिपोर्टिंग भी वो इन्हीं के थ्रू कर रहे हैं। तो सरकार से हमारा अनुरोध है कि जैसे दूसरे डिपार्टमेंटों को भत्ते के नाम पे टेलीफोन खरीद के दिए जा रहे हैं, तो एटलीस्ट हमारे को ये अलाउ कर दिया जाए कि ये ना केवल BSNL बल्कि दूसरे सिम
पे भी मिलता रहेगा। इसके अलावा हमने कोशिश करी थी सरकार से गुजारिश करने की कि जो हमारे चिकित्सक पति पत्नी हैं ज़्यादातर कहीं पे, तो उनको एक ही बंदे की उसमें ड्यूटी लगाई जाए कोविड में, ताकि एक बंदा जो अपना परिवार जो है वो अच्छे से देख सके। और इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या जो पेश आ रही वो आ रही है हिंसा की घटनाओं की। पिछले एक महीने के अंदर 6 महिला चिकित्सा अधिकारियों के साथ जो है वो दुर्व्यवहार और हिंसा की घटनाएं हुई हैं, जिनकी हमने रिपोर्ट थानों में की है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। एक तरफ तो फूल बरसाए जा रहे हैं, एपिडेमिक एक्ट के थ्रू अध्यादेश लाया जा रहा है कि डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा किसी भी तरह से सहन नहीं होगी, दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।